हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने बीएड एंट्रेंस असम यूनिवर्सिटी सिलचर 2023 के लिए मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। सो इसमें पूरा 50 मार्क्स है और देखिए टाइम 90 मिनट्स स्टूडेंट ने दिया था कल यानी 20 अगस्त 2023 को रात 8 बजे से। सो आप लोग भी ज्वाइन कर लो रोज़, मतलब कह सकते हैं जितना दिन बाकी है सो उतने दिन आप लोग मॉक टेस्ट जैसे फुल स्केल मॉक टेस्ट दे सकते हो, लाइव मॉक टेस्ट। सो इसके लिए आपको सिर्फ 200 रुपीज़ पे करना होगा, वो भी सिर्फ 200 रुपीज़ थ्रू UPI यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653। फिर से बोल रहा हूँ 9101467653, और इस नंबर पे उसके बाद जो स्क्रीनशॉट है इस नंबर पे व्हाट्सएप पे भेज देना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है सेम नंबर, फिर से बोल रहा हूँ 9101467653। सो देखिए अभी टेस्ट पे आते हैं। सो देखिए सेक्शन है टीचिंग एप्टीट्यूड, सो इसमें मार्क्स 20 रहता है। सो देखिए नंबर 1, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाई, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इसका प्रोपाउंडर कौन थे, फाउंडर कौन थे। सो देखिए जो 4 ऑप्शन है उसमें से जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी BF स्किनर यानी स्किनर। क्वेश्चन नंबर 2, एडवर्ड थॉर्नडाइक इज ऑल्सो लेबल्ड एज, सो एडवर्ड थॉर्नडाइक किस नाम से जाना जाता है या किस मतलब कैटेगरी से जाना जाता है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कनेक्शनलिज्म। सो एडवर्ड थॉर्नडाइक जिनका मोस्ट मतलब फेमस थ्योरी ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, ये भी याद रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3, टू इंस्पायर द वीक स्टूडेंट टीचर शुड, सो वीक स्टूडेंट को इंस्पायर करने के लिए टीचर क्या करेंगे। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अप्लॉज एंड टेल देम टू डू गुड वर्क। सो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टर्म बंदूरा यानी अल्बर्ट बंदूरा यूज टू रेफर टू द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ सोशल लर्निंग। सो देखिए 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी मॉडलिंग। क्वेश्चन नंबर 5, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज फाउंड टू बी हेरेस अनदर स्टूडेंट, व्हाट शुड बी योर रिएक्शन। सो देखिए जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी काउंसिल द स्टूडेंट इंडिविजुअली। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ द लर्निंग, स्किल, नॉलेज, मैच्योरेशन, फिजिकल स्ट्रक्चर। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मैच्योरेशन। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट रिकमेंडेड बाई पियाजेट। सो पियाजेट ने कितने मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट रिकमेंड किया, कितना स्टेजेस। सो 4 स्टेजेस। सो देखिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सेंसोरी मोटर, उसके बाद सेंसोरी मोटर प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशन। सो ये 4 स्टेजेस है, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज मीन बाई स्कीमा, स्कीमा का मतलब क्या है। सो देखिए जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, इसमें ऑर्गेनाइज पैकेट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए रखा जाता है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑर्गेनाइज पैकेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चनिंग इन द क्लासरूम, क्लासरूम में जो क्वेश्चनिंग होता है सो इसे क्या होता है, क्या फ़ायदा होता है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी क्लेरिफाइज द सब्जेक्ट मैटर, सो इससे सब्जेक्ट मैटर क्लेरिफाई होता है। क्वेश्चन नंबर 10, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एजुकेशन सोशलाइजेशन मीन्स, सो देखिए क्रिएटिंग वंस ओन सोशल नॉर्म्स, रेस्पेक्टिंग एल्डर्स इन सोसाइटी, अडॉप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू द सोशल एनवायरमेंट, ऑप्शन डी ऑलवेज फॉलोइंग द सोशल नॉर्म्स। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी अडॉप्ट और एडजस्ट करना सोशल एनवायरमेंट को। क्वेश्चन नंबर 11, अ टीचर मेक यूज ऑफ वैरायटी ऑफ टास्क टू कैटर टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ हर लर्नर्स, शी इज इन्फ्लुएंस बाई, सो इससे मतलब इन्फ्लुएंस। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन देखिए बी गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 12, ए स्कूल गिव्स प्रेफरेंस टू गर्ल्स व्हाइल प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर ए स्टेट लेवल सोलो सॉन्ग कॉम्पिटिशन, सो इससे क्या रिफ्लेक्ट होता है। सो इससे देखिए जेंडर बायस रिफ्लेक्ट होता है यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, Vygotsky emphasized the significance of the role played by which of the following factor in the learning of the children. So देखिए Vygotsky जैसा कि मैंने बहुत बार डिस्कस किया क्लास में भी, सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी सोशल। क्वेश्चन नंबर 14, यंग लर्नर शुड बी एनकरेज टू इंटरेक्ट विद पीयर्स इन द क्लासरूम सो दैट। सो देखिए सो इसका जो राइट आंसर होगा देखिए दे कैन लर्न आंसर टू क्वेश्चन फ्रॉम ईच अदर, या दे द सिलेबस कैन बी कवर्ड क्विकली, दे लर्न सोशल स्किल इन द कोर्स ऑफ स्टडी, ऑप्शन डी द टीचर कैन कंट्रोल द क्लासरूम बेटर। सो देखिए कौन सा राइट आंसर है, दे शुड बी एनकरेज टू इंटरेक्ट। सो इससे क्या होता है देखिए दे लर्न सोशल स्किल इन द क्लासरूम इन द कोर्स ऑफ स्टडी, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए
सॉरी इसमें सॉरी ठीक है, इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू पियाजेट स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विद, सो इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इंडिविजुअल अटेंशन इज इंपॉर्टेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, किस लिए इंडिविजुअल लर्निंग इंपॉर्टेंट है, सो जो राइट आंसर होगा देखिए देखिए इट ऑफर्स बेटर अपॉर्चुनिटीज टू टीचर्स टू डिसिप्लिन ईच अदर, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, एरर्स ऑफ लर्नर इंडिकेट, सो इसमें देखिए जो राइट आंसर होगा द नीड फॉर द मैकेनिकल ड्रिल, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो इसमें ऑप्शन ए से कन्फ्यूजन है, सो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, साइकोलॉजी इज ए, सो देखिए साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ माइंड, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द मोटिवेशन, सो कौन सा मोटिवेशन का फैक्टर नहीं है, प्राइज है, इंसेंटिव है, प्राइस भी है, प्रैक्टिस नहीं है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, द टीचर स्टडीज पीपल्स ग्रुप बिहेवियर मेनली बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, सो इससे ग्रुप मेथड कैसे करेंगे हम लोग, पीपल बिहेवियर मेनली बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंटेशन, केस स्टडी, ऑब्जर्वेशन, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑब्जर्वेशन। सो देखिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो,